ट्रस्ट मी अंगद, तुम मेरी शादी में मौजूद रहोगे। मैं तुम्हारी शादी में मौजूद क्यों रहूंगा? ओफो, स्टूपिड, तुम्हारे बिना मेरी शादी कैसे होगी? तुम्हारी शादी में मेरा क्या काम है? सब कुछ तुम्हें तो करना है अंगद। बस यूं समझ लो कि मेरी शादी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारा ही है। तुम भी नहीं जानते कि तुम कितने लकी हो अंगद। और तुमसे जो विवाह करने वाला है वो दुनिया का सबसे अनलकी इंसान होगा। How dare you? उसकी फिक्र तुम मत करो। मैंने तुमसे एक बंदा चुनने के लिए कहा था, तुमने चुन लिया। अब जब तक मैं ना कहूं, ना ज्यादा दिमाग चलाओ और ना ये जुबान। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। अपना दिमाग और अपनी जबान चलाने के लिए तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए मुझे। अब मेरा ख्याल रखने का दिखावा मत करो। साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि तुम चाहती नहीं हो कि मैं ठीक हूं। जिस तरह से तुम मेरे साथ बर्ताव कर रही हो, जो जो कर रही हो मेरे साथ, उससे तो लग रहा है कि तुम मारना चाहती हो मुझे। हद है यार, मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी है, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए अंगद। तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। क्या मतलब है नई जिंदगी? तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का मारा और नीचे बेसमेंट में वो मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या कर रहे हैं? क्या करने वाली हो तुम? कुछ बातें सही वक्त पर बताना ही सही रहता है अंगद। है मेरा कुछ प्लान, जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। क्या प्लान है तुम्हारा? तुम्हारी काया पलट करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने का प्लान, तुम्हें उस साहिबा से कोसों दूर रखने का प्लान। ये क्या है? ये क्या लेकर आई हो? तुम करने क्या जा रही हो? सीरत, अरे क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। सीरत चुप, बिल्कुल चुप। ओके, तुम क्या करने जा रही हो? मैं पूछ रहा हूं कुछ तुमसे। सीरत, तुम जानना चाहते थे ना कि मैं क्या करने वाली हूं? अब खुद अपनी आंखों से देख लो। स्टॉप इट सीरत। सीरत सोचो भी मत ऐसा। सीरत, ये क्या कर रही हो तुम? देख रहे हो तुम मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है? पूरी नर्स बन गई हूं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सारी मेहनत मुझे फल जरूर देगी। कि मेरा ब्लड क्यों लिया तुमने? ख्याल रख रही हूं, जिस नए सफर में तुम मेरे साथ आने वाले हो, ताकि उसमें तुम्हें कोई भी तकलीफ ना हो। कौन सा सफर?